क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में तुम्हारी ठीक से खातिरदारी हुई या नहीं? जम के हुई। बतावे क्या क्या खाने को मिला? लात घुसा सब बता दूं? वो तो तू खाए ना, ये इसमें एक्सपर्ट है। मुझे अच्छी तरह पता है पुलिस वाले ने जम की धुलाई की होगी। मैडम कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो अपने को हाथ लगाए। तुम लगाना चाहो तो लगा सकती हो। इसका बोरिंग लेक्चर सुनने से अच्छा है कि हम कॉलेज जाके लेक्चर अटेंड कर ले। चल। कमला कमला, मुझे देखकर मन में लड्डू फूटा। तुम्हें फिर से देखकर टेंशन हो रही है। इसको बोलते भिगो कर सैंडल मारने का। दिल भर गया, चल दारू पिलाता हूँ। पता भाई, अबे कितनी देर लगा दी दारू लेने, बैंकॉक गया था क्या? अरे वो पुलिस वाला पीछे पड़ गया था। क्या बे, तेरे को खंबा लाने को बोला था, तू आधा लेकर आ गया? जो मिल रहा है पी ले, बाद में ये भी नहीं मिलेगा। पानी की तरह इसकी भी कटौती हो रही है क्या? यहाँ अब दारू बैन हो गई है। मतलब अपना स्टेट अब ड्राई स्टेट हो गया है। तो तेरा मतलब दारू के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा? यहाँ भी खरीद सकते हैं लेकिन ब्लैक में लेना पड़ेगा। ये कुछ कुछ टिकट ब्लैक जैसा ही है। मतलब दूसरे स्टेट से सस्ते में खरीदो और यहाँ महंगे में बेच दो। धंधा तो फायदे का लग रहा है। बहुत बढ़िया भाई, रोज पियो रोज बेचो। और पियेंगे नहीं, सबको पिलाएंगे। खाली बोतलें हैं कांच की। ये खाली बोतलों का करता क्या तू? वो मेरा बाप वो मिस्त्री है ना, तो चोरों से बचने के लिए वो घर के बाउंड्री वॉल में कांच लगाने का काम करता है। पर यहाँ तो दारू बंद है इसलिए कांच की बोतलें भी नहीं मिलती, तो दूसरे स्टेट से कांच की बोतल लेकर आ रहा हूँ। मुझे लगता है मैं अभी अभी अलीबाग से आया हूँ, कोई लोचेला बाटे वाला काम हुआ ना तो धर लूंगा। चलो अभी निकले यहाँ से। हाँ ठीक है साहब। रुक जा, ये डब्बे में क्या है? दूध का कैन है साहब, दूध के कैन में दूध ही होएगा और क्या होएगा। अच्छा जगदीश, चेक कर अंदर क्या है। ठीक है सर। पानी वाला दूध है सर। चल 2 लीटर वहां छोड़ और निकल जाए। चल ठीक है सर। हाँ क्या उल्लू बनाया मैंने उसे। अरे देवा आ गया, आ गया। ध्यान से भाई, ध्यान से, आराम से निकाल निकाल। लाला इधर रख, क्या बात है देवा, ला इधर दे। अरे देना, खोल खोल इसका ढक्कन खोल। हाँ ये ले, इसमें लेमन ना बॉटल दे। हाँ ये ले, ए इधर इधर डर 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 ला भाई। सॉरी कॉपी दे, ये ले शगास। हाँ इधर दे इधर दे, आराम से रख दे। वैसे आज माहौल काफी ठंडा है, गर्मी का जुगाड़ हो जाता तो। कहाँ से मिलेगी किस्मत ही ठंड है अपनी। अगर चाहे तो मिल सकती है। तू दिला सकता है? हाँ पौवा भी। हाँ वो भी मिलेगा। माल कितना है? कम से कम 2 पेटी ले आ सारा का सारा। हाँ। ये ले। अरे दारू बेचना छोड़ के तू यहाँ पर क्या कर रहा है? पुलिस की रेट पड़ गई क्या? अरे वो तो कब का खत्म हो गया। खुद पी गया क्या? माल कहाँ से आता अगर मैं पीता तो। ये लो 10,000। 2,000 डाल के 10,000 कमाया, इसको बोलते मुनाफा। टिकट ब्लैक करते तो इतना कमाने में महीनों लग जाते। अबे तरक्की करने के लिए तो धंधा बदला है, अब से दूध का धंधा ही अपना मेन धंधा है। एक नंबर आइडिया है देवा। अरे दारू तो सिर्फ जवान और बूढ़े पीते, दूध तो सारी दुनिया पीती है। अच्छा हाँ। देख उधर के। नहीं नहीं गलती होगी। नहीं नहीं देख तो। अरे देख दूध बेचेगा। नहीं मलाई बेच, रबड़ी बेच, फालू तो बना। धंधे में बहुत लोगों ने हमारी मदद की और हम तेजी से कामयाबी की तरफ बढ़ते रहे। धीरे धीरे हमारी तकदीर आसमान छू रही थी। निकलो चलो जाने दे, मलाई भिजवाता हूँ। ए, रुक रुक क्या है इसके अंदर? कांच की खाली बोतल है साहब। बोल के बता। वो क्या है ना, मेरे पापा मिस्त्री का काम करते हैं। इसको जाने दो, बहुत पकाएगा। चल निकल। ठीक है सर। सर कल फिर मिलते हैं। जा जा जा। हम नहीं जानते थे कौन सही है या कौन गलत। जब सीएम की कुर्सी खाली थी तो उसे झपटने के लिए मंत्रियों का तमाशा चल रहा था, इसलिए हमारे धंधे पे किसी का भी ध्यान नहीं था और हमारा मुनाफा बढ़ता जा रहा था। एक देसी देना। Thank you, bye.
इनकी ढाट-बाट से लग रहा है कि बैंक में डकैती डाल के आ रहे हैं। हेलो, मेरी रॉन्ग नंबर, कैसी हो? कॉल करने का कोई टाइम टेबल है या नहीं? तो फोन करने का कोई अच्छा मुहूर्त बता दो। फोन क्यों किया तुमने? क्या है कि तुम्हारी याद बिल्कुल नहीं आ रही थी। सोचा इससे पहले कि पूरी तरह भूल जाऊं, फोन ही कर लेता हूं। अच्छा किया ना? चलो अब सच बताओ, तुमने इस वक्त मुझे फोन क्यों किया? मिलने का दिल कर रहा था। मुझसे मिलना है? नहीं नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। मेरे को मालूम था, इसलिए मैं खुद ही आ गया। तुम ऐसे मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? तो क्या करूं, घर के अंदर आ जाऊं? दरवाजा खोल दो, सीधा अंदर आ जाऊंगा। क्या हुआ? नहीं मैं अभी नहीं आ सकती, मेरे पास बहुत काम है। धंधा तो अपन भी छोड़ के आया है, तो दोनों का काम फिट उस। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। ए हेलो हेलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? ये क्या है? धंधे में तरक्की हो रही है और तरक्की के पीछे औरत का ही हाथ होता है, इसलिए गिफ्ट देके लंच पे ले जाना चाहता हूँ। ये टेप रिकॉर्डर तो ठीक है, लेकिन लंच पर सोच के बताती हूँ। अच्छा मैडम, नाम तो बता दीजिए। अगर फिर से कभी नहीं मिलोगे तो नाम बताऊंगी। नहीं नहीं, मैं अच्छा से सोच के खुद रख लूंगा। संभाल के जाना, पुल में बीच में खड्डा है, अंधेरा भी होने वाला है। ये पैसे बॉस को देने, समझा? सुबह तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। ए भाई, अद्धा देना। 300 निकाल। क्या बोला 300? अभी कल ही तो 200 का लिया। सपने देख रहा है, बिना पिए चढ़ गई। अरे सपने में नहीं, हकीकत में, मंडी के पास। क्या बोला, मंडी के पास? कौन बेच रहा था? अरे अपन आम खाता है यार, गुठली नहीं गिनता। उनके अड्डे पे लेके चल, एक बोतल फ्री। फ्री? ओके डन, चलेगा। पर अपन को एक नहीं, दो दो चाहिए। चलो आ जाओ। चल भाई, आप उनके इलाके में कोई दारू बेच रहा है और उसका रेट भी अपन से कम है। मरने का शौक किसको पैदा हो गया जो हमारे इलाके में दारू बेच रहा है? उसे पता होगा हमारा माल किस भाव में आता और किस भाव में बिकता है, तभी सस्ते में बेच रहा है। लेकिन उसे हमारे बारे में नहीं पता। इसी वक्त उसके पास जाओ, थोड़ा खर्चा पानी दे के उसे उसकी औकात बताओ। ए, रुक रुक, शिवा फिल्म में विलन ने डायलॉग बोला है, तो बैठे रह। वार्निंग इतनी भयानक होनी चाहिए कि कंपटीशन करने की सोच से भी उसकी रूह कांपे। अब जा। ठीक है भाई, चल भाई। यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? मैं अभी ऐसी जगह पे पहली बार आया हूँ, फिर भी तुम पे ध्यान दे रहा हूँ ना। ऑर्डर सर। खाने में खास क्या? सर देख लीजिए इसमें से आइटम। ये भाव देखने के लिए, अपने को पैसे का टेंशन नहीं है। राजमा चावल खाओगी? राजमा चावल है जी सर। दो प्लेट लेकर आ, और कोल्ड ड्रिंक भी, एकदम ठंडा। ठीक है सर। वैसे काम वाम करते हो या नहीं? बहुत बड़ा काम करता हूँ। अपना स्टेट तो ड्राई स्टेट हो गया, तो दूसरे स्टेट से सस्ते में दारू खरीद के या महंगे में बेचता हूँ। समझ नहीं आ रहा तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तुम चाहते तो मुझसे झूठ भी बोल सकते थे। ईमानदारी से गलत काम करता हूँ, फिर ये तो प्यार है। मैंने कब कहा मुझे प्यार है तुमसे? मतलब होने के चांस है। पता नहीं सब लोग हमें घूर घूर के क्यों देख रहे हैं। ये तो अच्छा है, यहाँ पर कोई जान पहचान वाला नहीं दिख रहा। दुनिया वालों की सोचते रहेंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं जा पाएंगे। क्यों, कहाँ जा रहे हो तुम? अगर तुम साथ दोगी तो कहीं भी जा सकता हूँ। मैं क्यों साथ दूं तुम्हारा? बोलने से पहले सोचती हो, बस भग से बोल देती हो। क्या बोल रहे हो? देखो दिव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बाकी जमता है तो बोलो। इतने बड़े होटल में कच्चे राजमा खिला रहे हैं। भाई यही वो दुकान है। ए, जा लेके उसे। अरे क्या करेगा?
बच्चे क्या बोल? एक बार देख। अरे क्या कर रहा है? और ना सब कुछ। निकाल के फेंको मार। हमारे एरिया में दारू बेचता है। छोड़ेंगे नहीं। एक सामान मत छोड़ना। ए, बस कर चल। दूसरी बार बेचा तो काट डालेंगे। ऐसा धोया कि नानी याद आ गई उनको। वो तो अच्छा हुआ, बहुत ही सस्ते में छूट गए वो लोग, वरना भाई होते तो काटी डालते। आज के बाद दारू तो दूर, सोडा भी नहीं बेच पाएंगे वो लोग। आए बड़े हमसे पंगा लेने। यहाँ भैया जी की चलती है, भैया जी की। भैया जी से टकराने वाला मिट्टी में मिल जाता है, नहीं का नहीं रहता, उसका खेल खत्म हो जाता है। बोल रहा मुन्ना, यही लोग तेरे को हाथ लगाए? यही था देवा। गलती की सजा तो दूंगा ही, पर पहले बोल जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? ए, तेरे को मालूम है कौन है हम लोग? तुम लोग की औकात तो बाद में बताऊंगा, पहले जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। कौन है वे तू जो हमारे एरिया में आके फुदक रहा है? बाकी पैसा निकालता या निकालूं? मालूम है तेरे को कहीं को छोड़ा ताकि तू अपने बाप को बोल सके देव आया था। चलो रे। देख कल सूर्य और मिनिस्टर आने वाले, गाड़ी टाइम से भिजवा देना। ठीक है देव। सर प्लीज मदद कीजिए, इन्हें अभी भी हार्ट अटैक आया है, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना। देखो जरा, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। डोंट वरी, आराम से। आप भी इंडिया से हैं क्या? हाँ। इमरजेंसी थी, सॉरी आपको परेशान किया। कौन थे वो, आप उनको जानती हैं? जानती तो नहीं, पर मैं अब बस का इंतजार कर रही थी तभी उनको हार्ट अटैक आ गया तो इसलिए। अच्छा, कहीं ड्रॉप कर दूं आपको? नहीं नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। आई एम श्योर, थैंक्स, नाइस टू मीट यू, यू टू, सी यू लेटर, बाय। देवा, इंडिया से सूरी मिनिस्टर को लेकर आया है।